थोड़ी देर के लिए हम सब अल्लाह का जिक्र करें, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, सब लोग गर्दन झुका दे। लेकिन इससे पहले कि हम जिक्र करें, किसका जिक्र करना है, हमको क्या मिलेगा भाई? एक सवाल होता है, आज ये दुनिया ऐसी फास्ट है, कुछ भी काम करना हो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो चलो हम पहले ये मालूम करें, फिर हम गर्दन झुका के जिक्र करेंगे कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह बोलोगे, बोलोगे सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। खाना वाना, माँ बहने भी बैठी है, तेरे को क्या फिक्र, तेरी शादी नहीं हुई। वो आदमी बोलता है माँ बहने बैठी है जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है। खैर, हमारी मोहतरमा माएँ और बहनें वो दिल दिल में, चूँकि उनकी आवाज़ पर्दा है, वो जिक्र करेंगी दिल दिल में। आप लोगों की आवाज़ पर्दा, कोई डाउट तो नहीं? फिर आप लोग बुलंद आवाज़ से करेंगे ना जिक्र इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम जिक्र पर आए, आप सिर्फ मैं एक एक फजीलत बताऊंगा, आप सुभान अल्लाह बोलोगे, बोलोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, बोलो ज़मीन पर, आवाज़ से ज़मीन पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, तुम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बोलो सुभान। इससे बड़ा सेठ आदमी कोई नहीं भाई। किसी की मिल में कितने आदमी काम करते होंगे, 100-200, तो यहाँ चलेगा तो ऐसा रुबाब से चलेगा, 200 आदमी मेरे अंडर काम करते। मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह करता जा, आसमान के सब फरिश्ते ड्यूटी पर लगते हैं और हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे, सब फरिश्ते ड्यूटी पर, और फरिश्ते कितने, मैंने इसी जगह पर कहा था फरिश्ते कितने, किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, अल्लाह फरमाते किसी को नहीं मालूम। जब अल्लाह कहे मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम, तो मेरे और आपको कैसे मालूम होगा। तो चलो फिर सुनो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर एक बता रहा हूँ, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह, ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाओ, तुम अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियो, ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह, बोलो ज़मीन पर अल्लाह 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 करते जाओ। हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु हमारे सरों से लेकर पाँव तक रहमत की बारिश बरसा देंगे, यानी रहमत के समंदर में अल्लाह हमको डिबो देंगे। भाई जब कोई दुनिया का बड़ा देता है तो बहुत देता है, तो पैदा करने वाला अल्लाह कहे मैं रहमत में डुबा दूंगा, मतलब रहमत के समंदर में हम गोते लगाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कितने फ़ायदे हो गए, दो फायदे, हम अल्लाह अल्लाह करें, आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, अल्लाह सर से लेकर पाँव तक रहमत के समंदर में हमको डिबो देवे। चलो तीसरा फ़ायदा, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन पर, बोलते जाओ, तुम ज़मीन पर, यानी हमारे नबी के उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते तुम ज़मीन पर अल्लाह 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 करते जाओ, अल्लाह हमारे दिल में, अल्लाह हमारे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने फ़ायदे हो गए, तीन फायदे, और चौथा फायदा तो ऐसा धूमधाम वाला फायदा, कसम परवरदिगार की पाकीज़ा मस्जिद अल्लाह के घर में बैठे हैं, अगर ये फायदा होता तो जिक्र के लिए काफ़ी था, और कोई फायदे की ज़रूरत नहीं, बोलो ना, और कोई फायदे की ज़रूरत, क्या फ़ायदा, क्योंकि खुद अल्लाह फरमाते, अल्लाह तबारक व ताला कलाम मजीद में फरमाते, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ोगे, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2 अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरी बंदियों
اللہ فرماتے بندوں کو بھی اور بندیوں کو بھی, اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں آج زمین پر میرا نام لیتے جاؤ گے میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا. آج ہم سب یہ اندھیر والے سب کا نام کہاں پر جائے گا؟ آسمانوں پر. بلکہ اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے میرے بندے بندیوں آج زمین پر میرا نام لیتے جاؤ گے میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا. آج تم انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لو گے, اللہ فرماتے میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لوں گا. اللہ فرماتے تم گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لو گے, میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لوں گا. بلکہ اللہ فرماتے, سننا, اللہ فرماتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم فرش پر میرا نام لو گے میں عرش پر تمہارا نام لوں گا. اللہ فرماتے تم زمین پر میرا نام لو گے لیتے لیتے تھک جاؤ گے میں آسمانوں پر تمہارا نام لوں گا, تمہارے اندر تھکنا ہوگا. اللہ فرماتے میرے اندر تھکنا نہیں ہوگا, تمہارا ذکر کرنا ٹیمپروری ہوگا, اللہ کہتے میرا تم کو یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. سب اللہ کا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. آج زمین پر اللہ اللہ, آسمانوں پر ہمارا نام. اور سچ بتاؤ, جس کا نام آسمانوں پر لیا جائے اللہ اس کی مغفرت نہ کر دے؟ تو سب کریں گے, بولو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. صرف ذکر نہیں.